ये गाइस तुम लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि गोल्ड कैसे कमाते हैं, तो वीडियो को देखना आखिरी तक। और देखो वैसे तो सबको पता है कि गोल्ड कैसे कमाते हैं, कोई भी चीज़ तुम ट्रेड में लगा दो, रॉ मटेरियल, अनफिनिश गुड, तो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं अनफिनिश गुड बेचना। पर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये क्या सही है या गलत है, तुम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कमा सकते हो, मिलियंस में गोल्ड कैसे कमा सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत काम आएगा तुम्हारे। तो गाइज पहली चीज़ देखो कि पहले 50 लेवल में क्या होता ना कि हम कोई भी चीज़ बेचते थे तो उसकी प्राइसेस बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि उस समय हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत कम थी, क्योंकि बस उसमें थोड़े मटेरियल में ही हमारी गन, हमारा आर्मर, हमारा सब कुछ बन जाता था। पर जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब तुम्हें उस चीज़ का यूज़ ज़्यादा हो रहा है रिसोर्सेज का। अब जैसे कि देखो अब हमें जो आर्मर वगैरह बनाना पड़ता है उसमें ज़्यादा आइटम चाहिए होता है, जो हमें गन ड्रोन्स वगैरह सब बनाना पड़ता है उन सब में ज़्यादा आइटम चाहिए होते हैं, और अब तो हमें जीन्स भी बनाना पड़ता है, मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है, तो कह सकते हो कि रिसोर्सेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम इसे सेल करोगे ना तो तुमसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सेल करके, क्योंकि तुम सेल करके 15-20 हज़ार 30 हज़ार डेली के कमा सकते हो गोल्ड पर। 20-30 हज़ार इस समय कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है ना, मतलब कह सकते हो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जैसे देखो अभी यहाँ पे चिप वगैरह पहले जो होते थे 15-20 हज़ार में मिल जाते थे, गोल्डन चिप हमारा 20 हज़ार का आता था, 22 हज़ार का आता था, पर अब देखो मिनिमम प्राइस वो होती है 35-39 आती है, फिर मैक्सिमम प्राइस देख रहे हो यहाँ पे एक एक चिप की कीमत 65,000 है, और लोग इसको खरीदते भी है। भाई मजबूरी है यार, जो तुम्हें ज़रूरत है तुम्हें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये सस्ता है, अभी और महंगा होगा फ्यूचर में। तो अब तुम्हें गोल्ड कमाने का जो तरीका है ना वो भी बदलना पड़ेगा, अब तुम्हें ये नॉर्मल चीज़ें बेचनी नहीं है, अब तुम्हें कुछ बढ़िया बेचना है जिससे तुम एक बार में 4 लाख 5 लाख गोल्ड इकट्ठे कर पाओ। और अगर तुम महीने के भी 3-4 ऐसे चीज़ बेच दोगे ना, तुम्हारे भाई 1.5-2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे ही गोल्ड हो जाएंगे। तो सबसे ईजी तरीका तुम लोग को आज बताऊँगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूँ कि बेचना क्या है। तो देखो पहली चीज़, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है इन सबको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये मतलब कि इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, और देखो हमारा जो ट्रेड है ना ये 6% टैक्स भी काटता है, तो मतलब कह सकते हो बेकार है बेचना। फिर उसके बाद होता है हमारा अनफिनिश गुड, जिसमें हम चीज़ें बना बना के बेचते हैं, क्राफ्ट करके बेचते हैं, तो ये भी चीज़ हमारा बेकार होता है। ये जो हमारे नॉर्मल मटेरियल है, अनफिनिश गुड है, ये सब बनाना एकदम बेकार है भाई, क्योंकि देख रहे हो 732, और इसमें हमें बहुत सारे पत्थर चाहिए होते हैं, लकड़ी चाहिए होती है, पत्ते चाहिए होते हैं, तो ये सब के लिए मैं प्रेफर नहीं करता। ये सब तुम बना बना के रखे रहो अपने पास, तुम्हारे बहुत काम आएगा। और अब बात करते हैं कि बेचना क्या है। तो देखो बेचने के लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी गन बनाना है। अब गन जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखो मैंने बाइजन बनाई और मैं इसको यूज़ नहीं किया अभी, इसमें देखो अभी मैं इसको सेल कर सकता हूँ, तो मैं इसे सेल पर क्लिक करता हूँ। तो अभी देखो मार्केट में बाइजन नाम का कोई भी गन नहीं है, तो मैं अगर इसको सेल करूँ तो यहाँ पर रिकमेंडेड प्राइस दे रहा है 40,000। 40,000 में डालूंगा मेरी गन बिक जाएगी, 50,000 में डालूंगा थोड़ा चांसेस कम हो जाएगा बिकने का, और 60,000 में मतलब एक है कि 2-4 दिन 1 हफ्ते में बिक जाएगी, सब मैक्सिमम 60-70 हज़ार तक बिक जाएगी। पर अगर इससे ज़्यादा मैं ओवर प्राइस में बेचूं तो फिर कोई भी बंदा इस गन को छुएगा भी नहीं, फॉलो भी नहीं करेगा। पर मैं इसे 40,000 में नहीं बेचना चाहता, मैं इसको चाहता हूँ कि ये 4 लाख में बिके, तो मैं इसको 4 लाख में बेच भी सकता हूँ। अब तुम पूछोगे कैसे, तो देखो इसके लिए आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करके तुम बेचोगे ना तो भाई तुम्हारा बिक जाएगा। अब जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ, ये एक है, अगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा होता और मैं इसको सेल करता तो ये मेरी 6 लाख 7 लाख में भी बिक सकती थी, क्योंकि इसके स्टैट इतने अच्छे हैं ना, 2-2 पर्पल स्टैट है। तो इसमें देखो हमारे जो सर्वर है इसमें क्या होता है ना, जितने भी प्लेयर होते हैं सब सबको मॉडिफिकेशन नहीं आता, सबकी हिम्मत भी नहीं होती। जितने भी प्लेयर है कह सकते हो सिर्फ 20% लोग हैं होते हैं ऐसे जिनको मॉडिफिकेशन आती है, और 80% लोगों को नहीं आती, तो वो बस मतलब कि उनके लिए पर्पल स्टैट कह सकते हो एक तरह से सपना रहता है कि भाई कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा। तो अगर तुम इसे बना बना के पर्पल स्टैट ला के बेचोगे ना, तो भाई तुम ओवर प्राइस में भी बेचो तो वो ले लेंगे। अब तुम सोचोगे कि कैसे ले लेंगे भाई ओवर प्राइस में, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि देखो ये बंदा है, ये हमारा फायर पावर मॉड्यूल बेच रहा है, ड्रोन का पार्ट बेच रहा है, तो इसको 2.5 लाख गोल्ड यहाँ से मिल गया। फिर कोई जीन बेच रहा है, 2.5 लाख इसको यहाँ से मिल गया। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ों से उनके पास गोल्ड रहता है, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने को प्रेफर करते हैं। तो तुम ऐसी चीज़ें बताओ कि जो जो अमीर बंदे हैं वो तुमसे खरीदें, तो अमीर बंदे तो ये पर्पल गन खरीदेंगे नहीं तुमसे, गोल्डन गन वो खुद बना सकते हैं, तो हमारा मॉडिफिकेशन है वो करने में उनको दिक्कत आती है। तुम मॉडिफिकेशन करके तुम बेच सकते हो। मैं तुम्हें एग्जाम्पल में एक दिखाता हूँ, मैं अपना रिकॉर्ड दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बेच रखी है, पर यहाँ नीचे देखोगे तो मैंने यहाँ पे 5 लाख का कुछ बेच रखा है। तो ये है हमारा आर्मर। तो जब गेम हमारा 80 लेवल आया था तभी मैं आर्मर बेच रहा था। अगर मैं नॉर्मल गोल्डन आर्मर बेचता तो उससे मुझे प्राइस मिलती कम से कम 2.5 से 3 लाख मुझे गोल्ड मिल जाते। पर मैंने क्या किया ना, उसको बस थोड़ा सा 10,000 गोल्ड देके मैंने उसको मॉडिफाई किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा पर्पल स्टैट आ गया और उसमें कुछ मैक्स आर्मर का था और रेटिंग वगैरह भी अच्छी थी, तो मैंने उसको 5 लाख में सेल कर दिया और वो बिक गई। तो ऐसे करके तुम भी बेच सकते हो। अब सोचो तुम बस ऐसे 4 ऐसे आर्मर बना लो और 4 ऐसे सेल कर दो, 4-6 मॉडिफाई करके बेच दो। अब देखो तो इससे देखो फ़ायदा क्या होगा कि तुमको बहुत सारा गोल्ड मिलेगा एक साथ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि तुम थोड़ा अपने आप को रिच महसूस करोगे, तुम थोड़ा ट्रेड को मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कोई चीज़ की शॉर्टेज ले आओ फिर तुम उसे महंगा में बेचो, ऐसा कर सकते हो। फिर इसमें एक लास्ट फ़ायदा क्या होता है कि देखो अब जैसे मॉडिफाई हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारे कई तरह के स्टैट आते हैं। तो जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे गन में देखो मेरे 2 स्टैट हैं और यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टैट होते हैं। पर्पल में भी 4 तरह के स्टैट हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट वाला है वो तुम यूज कर सकते हो। अगर बेस्ट नहीं है, कोई तुम्हारे लिए बेकार है, तो तुम उसे सेल कर सकते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल में जैकेट में दिखाता हूँ, जैकेट में देखो ये है। अब जैसे यहाँ तुम्हें मिल रहा है आर्मर 31 से 42। अब आर्मर 31-42 लेकर तुम क्या करोगे भाई, 30 का आर्मर बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम इसे सेल कर सकते हो, इससे भी अच्छे अच्छे स्टैट होते हैं। तो अगर तुम्हारा बेकार वाला पर्पल स्टैट है तुम उसे सेल कर दो, लोग पर्पल लाइन देख के ही तुम्हारा ले लेंगे। और अगर तुम्हारा कुछ बढ़िया वाला आता है जैसे ये डैमेज रिडक्शन का आता है तो तुम उसे यूज कर सकते हो और इससे तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा, तुम्हें गोल्ड भी मिल जाएगा और तुम लोगों की नज़र में कोल भी बन सकते हो भाई, कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन बताता हूँ कि तुम्हें कुछ भी चीज़ नहीं बेचना है, बस तुम कोई भी चीज़ को क्राफ्ट करो, भले ही वो पर्पल हो चाहे गोल्डन हो उससे मतलब नहीं है, बस उसको क्राफ्ट करो। फिर उसके बाद तुम ढेर सारा मॉडिफिकेशन का उसको ट्राई करो। आप मॉडिफाई कैसे करते हैं वो तुम लोगों को मैं अगले वीडियो बता दूंगा कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, बढ़िया से इजी तरीका बता दूंगा एकदम। तो तुम ऐसे मॉडिफाई कर करके बेचो, तुम्हारा 4-5 आइटम भी महीने का बेचोगे तो तुम्हारे 1-2 मिलियन आराम से गोल्ड हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।